आज ये गाड़ी है, इस पे चेक इंजन आ रही है, देखते हैं। इसे चले जाना चाहिए लेकिन आ रहा है, तो आज हम इसी को चेक करेंगे। ये OBD पोर्ट है ओमिनी का, तो इसी को लगा के हम चेक करेंगे गाड़ी के बारे में। लगा OBD लगा दिया, अभी चेक करते हैं कौन सा कोड आ रहा है। कभी कभी क्या होता है कि चेक इंजन लाइट आती है और आप उसे इरेज भी कर देंगे ना, तो भी वो हट जाती है। आपको ऑन करना है, इग्निशन ऑन करना है। ये कनेक्ट हो गया है अपना, और कोड देखते हैं, डायग्नोस्टिक कोड रीड। अभी तो इंजन कंट्रोल का बता रहा है, व्हीकल स्पीड सेंसर का माल फंक्शन का, तो मेरे ख्याल से यही है, क्योंकि ये देखिए स्पीड सेंसर आपका टूटा हुआ है, उसके कारण है। कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। इसमें बहुत धीमा रीड कर रहा है, मेरे ख्याल से इसका ECU बहुत स्लो है, नहीं तो हम लोगों को मैं तड़ाक से करता है। जैसे मैंने बताया कि स्पीड सेंसर का है, इसका स्पीड वायर टूट गया है, उसके कारण वो स्पीड को रीड नहीं कर पा रहा है ECU, इसलिए आ रहा है। ये जैसे ही लगाएंगे, इसको इरेज कर देंगे तो सही हो जाएगा। इसको क्लियर करके देखते हैं, शायद हट जाए। हम लोगों की गाड़ी में ऐसा नहीं होता, छोटी गाड़ियों में होता है। अभी तो हो गया है, रीड फॉल्ट कोड एक बार फिर से करते। अभी तो कोई कोड नहीं है। चलिए अभी तो कोई नहीं आ रहा, तो फिर से अपन देखते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। अभी चली गई है, अगर ये वापस आती है स्पीडोमीटर से तो फिर देख लेंगे, वैसे आना नहीं चाहिए, मैंने क्लियर कर दिया। ये अभी चेक इंजन लाइट नहीं आ रही, आप देखोगे, और मैं ये चला रहा हूँ, काफ़ी चला चुका हूँ, तो इरेज करने से ये चला गया, पर खैर स्पीडोमीटर तो इसमें लगाना ही पड़ेगा, मैंने अच्छा खासा चला लिया है। तो आपके में अगर स्पीड की प्रॉब्लम आए, चेक इंजन लाइट आए, तो एक बार इरेज करके देखें। कुछ गाड़ियाँ फिर से ऑन कर देती हैं, पर ये तो अभी नहीं कर रही, अभी तो नहीं आ रही, आप देखो ध्यान से। धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो में।